Okay. अस्सलाम वालेकुम हाय एवरीवन मैं हूँ सायमा और आप सबको कहती हूँ अपने चैनल पर वेलकम कैसे हैं आप सब मेरी दुआएँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हो खुश हो और मज़े में हो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो जैसा कि आज आपको मैं दिखाना चाह रही थी कि किचन में आज हम लोगों ने क्या क्या कियाहमदल आज जो है ना इस आइलैंड की बारी आ गई थी और आज जो है ना इसकी कैबिनेट और इसके ड्रॉ जो है ना वो मैं क्लीन कर रही हूँ और इन सब चीज़ों को ये आज हम ऑर्गेनाइज करेंगे उसके बाद बाकी जो है ना सारे काम स्टार्ट होंगे सबसे पहले तो मैंने इनके ऊपर जो इनकी प्लास्टिक शीट्स चढ़ी हुई थी वो सब उतारी हैं हमने जो किचन अपना बनवाया है वो हमने हाई ग्लॉस मटेरियल का बनवाया है और इसलिए भी मैंने ये वाइट करवा लिया कि हाई ग्लॉस में ये बिल्कुल भी इशू कोई नहीं है कि जिस पे स्टेन आएंगे या कुछ ऐसा होगा इसको जस्ट ओनली आ, वाटर से हॉट वाटर से हल्का सा अगर आप सोप लगा के भी क्लीन करेंगे तो अलहमदल ये बिल्कुल ठीक होगा इसके ऊपर कोई स्टेन नहीं आते हैं सो so, ये नया मटेरियल था मैंने इसको चेक भी किया और मुझे नया मटेरियल मुझे ये यहाँ पे तो लगा है लेकिन आप वो मैं बताऊँ कि हम जब छोटे थे तो मेरे मोम डैड के घर में आ, सेम इसी मटेरियल के कैबिनेट्स होते थे तो मुझे उससे चीज़ से ये ख्याल आया कि पुरानी चीज़ें दोबारा से आ रही हैं और इसको हमें मैनेज करना कितना आसान होता था सो इसी लिए मैंने वाइट जो है ना हाई ग्लॉस का अपना किचन रेडी करवाया तो ये जिन आदि शीट्स का हम लोग ले आए थे सबसे पहले तो सारा वैक्यूम किया सारे ड्रॉ वैक्यूम किए हैं जहाँ जहाँ जो जो मिट्टी थी डा उसको अच्छे से वाइब किया अच्छे से एक दफ़ा क्लीन करके ताकि बार बार ये चीज़ें नहीं हो सकेंगी और सल्ली के साथ सारे काम करें अभी क्या है कि हम लोगों ने एक पोर्शन अभी डन किया है और उसके बाद बाकी सब चीज़ें जो है साथ साथ मैनेज कर लेंगे शीट्स कट कर ली हैं अलमदुल्ल सारी और उसको जो है ना दराज के अंदर ड्रॉ जो है सारे कैबिनेट्स हैं सब में लगा दिया है शीट्स थोड़ी पेंट्री की जो है ना वो कम हो गई हैं वो इन श्ला आज मैं जा कर लेके आऊँगी दूसरा काम आज जो है ना वो क्या हो रहा है जी बर्तन जो है ऊपर वे रूम में आज मैंने आपको जो दिखाए थे सारा किचन का जो सामान था हमने एक मास्टर बेडरूम था वहाँ पे हमने आ, रखा हुआ था ऐसे बस खुला पड़ा हुआ था उसमें बहुत सारा डस्ट भी आया हुआ है और उनको सब बर्तन जो है ना आ, मैंने वॉश करने हैं तो आज सुबह से मसला ये थर्ड जो है ना डिश वॉशर चलने लगा है और मैं इसको जो है ना क्विक लोड लगा रही हूँ ताकि मेरे सारे बर्तन मैं इनको वॉश करूँ दैन मैं इसको कैबिनेट्स में डालूँ तो ये जनाब जी इस वक्त मैंने सोचा कि ऊपर वाले रैक में जो है सारे ग्लास और सारे कप जो है वो आते जाएंगे वो मैं लगा दूँगी इससे पहले जो है मैंने डिनर सेट कली, जो है क्लीन कर लिया था वो वॉश किया है पूरा उसकी डिशेस क्लीन की हैं अभी जो मेरा आ, फोकस है ना मैं चाह रही हूँ कि मैं क्लियर वाले जो सारे बर्तन हैं वो पहले अच्छे से कर लूँ डिशेस और ग्लास कप्स जो इस तरह के ताकि मैं चाहती थी कि मैं इस तरह पोर्शन बनाकर जो है ना सारे रखूँ जी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मैं क्लियर सारे लगा रही हूँ और जो कलरफुल होंगे कलर के साथ कंबिनेशन करके मैं ना हर कैबिनेट के अंदर जो है अपने बर्तन लगाऊँगी ताकि मुझे ना फिर जब कोई आप पार्टी अरेंज करते हो तो आपको लगाने में आसानी हो आपने एक ही कैबिनेट खोली वहाँ पे आप पता है जी आपके कलरफुल बर्तन पड़े हुए हैं कौन से कलर के पड़े हुए हैं आप वही निकाल के तो वही सारा कुछ अरेंज कर देते हो तो यहाँ पे सारे मैंने क्लियर वाले गिलास डिज़र्व बाउल और कप्स प्लेट्स सब इस लगाई हैं और ये देखेंगे कि ये वाले जो है यहाँ मैंने ये पूरा डिनर सेट लगा दिया यहाँ देखें ना ये वाला पोर्शन मैं सोची थी यहाँ पे कलरफुल कर लूँगी ऊपर मेरे पास एक और डिनर सेट है व्हाइट और ब्लैक वो लगाऊंगी एक मेरी मेरे पास क्लियर वाला डिनर सेट है वो मैं सबसे टॉप पे लगा दूंगी ये वाली कॉर्नर कैबिनेट्स हैं काफ़ी बड़ी हैं तो इसमें पूरा पूरा डिनर सेट आ जाएगा और साथ साथ मैं ना घर जो हाथ से धोने वाले बर्तन है ना जो डिश वॉशर बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं उनको मैं हाथ से धोती जा रही हूँ अभी ये देखें मैं क्लियर वाले ही सारे वॉश कर रही हूँ ताकि मुझे इसको अपनी कैबिनेट्स में लगाना है और इसके जो डिशेज़ हैं डोंगे हैं ये मैं अब धो तो रही हूँ और आज बड़ा प्यारा सा मौसम था सनी था तो इस तरह ना जो बर्तन ना मैं धो रही हूँ वो धूप में विंडो से रोशनी इतनी खूबसूरत आ रही है ना उसकी वजह से वो साथ ड्राई होते जा रहे हैं आज पूरा दिन आप यकीन करें मेरा बर्तन धोने में निकल गया है और यहाँ पर तहरा ने अब कहा कि मामा एक कैबिनेट जो है ना हम रेड कलर की करेंगे और ये कैब जो है ना कैबिनेट ये आ, मिरर वाली है शीशों वाली है यानी कि जिसके अगर शीशे लगे हुए हैं और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आएगा बाहर तो अच्छा लगेगा सबसे टॉप है मैं रेड और कलर की मेरे पास पूरा वाटर सेट और डिज़र्ट सेट है तो मैं वो लगा लूँगी टॉप पे हमने कुछ सोचा कि हम आ, सबसे ऊपर वाले कैमरे पे हमने सोचा कि हम कुछ फ्लावर वाज लेके आएंगे जिसके अंदर रेड कलर के फ़्लावर्स लगे होंगे तो जी कम्प्लीट लुकिंग श जैसे पूरा होता जाएगा ज्यादा दिखा दे जाऊँगी अभी मैं आयशा को हम लोग पिक करने आए हैं और मैं सोचा था कि रास्ते में वापसी में आ, मैं जो पेंट्री की मेरे पास शीट्स कम हो गई हैं तो वो मैं लेके जाऊंगी ताकि फिर घर जाके मुझे ये वाला काम भी मैं अपना कंप्लीट कर लूं आज हम लोगों ने पेंट्री की शीट्स बिछानी हैं और उसके बाद जो है ना उसको बड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के आइडियाज़ भी सोचे हैं इन ताला तला वो करेंगे पूरा आहिस्ता आहिस्ता अभी तो सिर्फ यह है कि मैं चाह रही हूँ कि सारा जो हमारा चीज़ें हैं वो जगह जगह पर आ जाएँ ताकि सुकून आ जाए और ये वाली क्लियर वाली शीट्स थोड़ी लंबी और चौड़ी हैं तो इसीलिए मैंने पेंट्री एरिया काफ़ी हमारा डीप है तो मैंने वहाँ पर जो है ये वाली शीट्स मिली आई हूँ क्योंकि छोटे वाली शीट्स मैं लेके आती तो वो आ, दो दो लेयर लगनी थी और वो फिर ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं लगता शीट आगे पीछे हो जाती हैं एक और बहुत एक्साइटिंग चीज़ जो आपको मैंने दिखानी थी एक बहुत ही प्यारा पी आर प्यार पैकेज जो रसी हुआ है मुझे और जनाब जी ये है बैम्बो जिप लॉक बैग ऑर्गेनाइज़र एंड और फॉइल और बेकिंग पेपर स्टोरेज बॉक्सेस हैं तो जनाब जी बहुत ही क्यूट इससे आप मेरा ड्रा तो ना इतना नीट लगने लग पड़ा था जो कि मेरे जिप लॉक बैग और बेकिंग पेपर फॉइल पेपर इस तरह ही पड़े हुए थे तो उससे लुक इतनी अजीब सी आती है जब आप चीज़ें उस तरह यूज़ करते हो तो वो और तरह लुक देती है लेकिन जब तब आप इसको ऑर्गेनाइज़ कर देते हो तो डेफ़िनेटली हर एक की रीच में भी होता है और सबको पता होता है कि ये कहाँ चीज़ पड़ी हुई है और देखने में भी जब आप द्रास खोलते हो आपको खुद होशी होती है तो ये मुझे बड़े परफेक्ट टाइम पर रिसीव हुआ है मैंने इसको आज ऑर्गेनाइज़ कर दिया है अजनाब जी आज जो है ना खाना पकाने का बिल्कुल नहीं दिल था हालांकि अब किचन माशाला से हम चला सकते हैं लेकिन इतनी थकावट हो जाती है कि कुछ भी करने को दिल नहीं जा रहा होता जैसे कि आज मैंने नीचे रूम में ना भी क्लीनिंग करनी है सो so, मैंने आ, हम लोगों ने आज पापाई ऑर्डर किया था और वही हम लोगों ने पेट भर के खा लिया है और मुझे बिल्कुल भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खाना बनाऊं लेकिन इन दो दिन में मैं स्टार्ट कर दूंगी और नीचे वाला रूम जो मेरा हमारा लिविंग रूम है जहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है जब किचन और वाशरूम बन रहे थे इसी रूम में बहुत ज़्यादा टाइम गुजार लिया था क्योंकि लिविंग एरिया में ही आप टी वी वगैरह लगा होता है बच्चे वगैरह भी आराम से बैठ के तो फिर पूरे घर में नहीं फिर रहे थे ताकि डस्ट था, था बहुत ज़्यादा इस रूम में हमने बहुत टाइम स्पेंड कर लिया था खाना पीना भी यहीं पर कर रहे थे तो इस कमरे में डाला हालांकि मैं डेली पर, डेली रूटीन के साथ इसको क्लीन कर रही थी लेकिन डिटेल से जो क्लीन होने वाला रहता था वो ये मैंने आज इसको किया क्योंकि यहाँ से भी किचन का बहुत सारा डिस्पोजेबल बर्तन माइक्रोवेव हम लोगों ने इसी रूम में रखे हुए थे और वो मतलब कि अब मैंने इसको यहाँ से सारा कुछ चीज़ें उठा के मूव कर दी हैं किचन में ले गए हैं तो आज मैंने इसको कमरे को बड़े अच्छे से डिटेल से साफ़ किया सोफ़े जो वाइप है वाइप किए हैं वैक्यूम किए हैं कुशंस निकाल कर उनको वैक्यूम किया और जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीचे कुशंस के नीचे से क्या क्या निकल रहा है, है इसको अच्छे से वैक्यूम कर लूँगी इस वैसे भी जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहाँ पे ज़्यादा डस्ट भी आता है और अगर आप यहाँ बैठ के खा पी रहे हो स्नैक ले रहे हो तो वो डेफ़िनेट सोफ़ों के अंदर भी चले जाते हैं है आप सब से एक और बात भी शेयर करनी थी जब से मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान जाने का प्लान कर रही हैं सो काफ़ी मुझे कमेंट आ रहे हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आप थोड़ा डिटेल से बताएं कि आप पाकिस्तान जाती हैं अपने बच्चों को कैसे वहाँ पे मैनेज करती हैं कि बच्चे सीखना हो और आप भी सीखना हो सो मैं थोड़ा सा इसका बता दूँगी मैं मेरे ख्याल में कि मैं ऐसे कोई झूठ बोलूँ सिख हर कोई मुझे लगता है बीमार होना ही होता है जाके जब आप, आप आपका एटमोसफियर चेंज होता है आपका फूड चेंज होता है तो आप सिख तो हो जाते हो लेकिन उसके लिए थोड़ी सी इत्याद कर ली जाए कि जिससे कि बहुत ज्यादा सीख ना हो आजकल पोलूशन भी होता है मास्क पहन के रखें पानी का हाथ यहाँ रखें पानी मिनरल वाटर तो कोई वहाँ का बेकार ही है कोई फ़ायदा नहीं है आप बॉयल करके पीएँ और इस दफ़ा जो है ना मैं सोच रही हूँ कि सौंफ इलाची का पानी भी मैं जरूर बना के बच्चों को दूंगी और ख़ुद भी पीऊंगी ज़्यादातर क्या होता है स्टमिक खराब होता है कफ लग जाती है तो इसके लिए यही केयर कर सकते हैं हम लोग के मास्क पहन के रखें और ज़्यादा जो है ना कोशिश ये करें कि जो ज़्यादा ऑयली चीज़ें वो ना खाएँ हर दिल तो करता है वहाँ पर जाके और एक टाइम में तो सिक होना ही होता है बीमार तो होता है मेरा तो स्टमिक खराब हो जाता है और कुछ लोगों की वॉइस ख़राब हो जाती है जैसा गले की में जाने से आवाज़ ख़राब हो जाती है कफ लग जाती है तो है मेरे बच्चे भी बीमार भी होते हैं और अलहमदिल्ला ठीक भी हो जाते हैं लेकिन अगर आप थोड़े टाइम के लिए जा रहे हो तो थोड़ी सी तैयार करनी जरूरी होती है क्योंकि आपने थोड़ा टाइम होता है उसमें आप चाहते हैं यार एंजॉय भी खूब कर लो और अच्छे से टाइम भी गुजर जाए हमारा क्या है कि मैं हमेशा जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए जाती हूँ उसमें सिक भी हो जाते हैं अच्छे टाइम भी गुजर जाता है तो वो बैलेंस हो जाता है आज जितनी भी केयर कर लें थोड़ा बहुत जो है ना ये प्रॉब्लम आनी ही होती हैं सो तो इस दफ़ा बस मैं सोच रही थी कि सौंफ इलायची का पानी जो है ना वो स्टमनिक को थोड़ा प्रोटेक्ट करता है और वो जरूर ले लिया जाए आप भी अपने जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप कैसे केयर करते हैं ताकि हम सबका जो भी सुनने वाले हैं देखने वाले हैं और कमेंट पढ़ने वाले उनका फ़ायदा हो जाए लेकिन एक छोटी सी टिप ज़रूर दूंगी कि जो बच्चे अभी यहाँ पे बोर्न होते हैं छोटे बच्चों को अगर आप फर्स्ट टाइम पाकिस्तान या इंडिया अपने बैक होम लेके जाएँ तो उनकी जो फूड होती है वो आ, और मेडिसिन वगैरह वो सब जो है ना आप लोग जो उनको यूज़ करवाते हैं वही लेके जाएं जाएँ और कोशिश करें कि उनका जो पानी है वो भी ले जाएँ क्योंकि मैं ऐसे ही करती थी जब मेरे बच्चे छोटे होते थे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ दुआ में याद रखिएगा टेक केयर अल्लाह फ़ लव यू गाइज